नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज इंडिया। मैं हर्षाली आज के ऑडियो बुलेटिन की शुरुआत करती हूं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित सदस्यों ने लखनऊ में शपथ ग्रहण की। कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जयपुर में ट्रैक्टर रैली निकाली। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने को लेकर मुंबई में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वर्ष 2021-22 में GDP ग्रोथ 10.5% रहने का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे पहले दिन का खेल समाप्त हुआ। इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 263 रन। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कल 6 फरवरी सिर्फ 2 राज्य UP और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, इन 2 राज्यों और दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, मोदी सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। धन्यवाद। और खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज इंडिया।